ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। 16 सोमवार का व्रत मुख्य रूप से किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है। इसके अलावा ये भी मानता है कि 16 सोमवार का व्रत रखने से पति को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और आपकी संतान भी सुखी रहती है। वहीं अविवाहित कन्याएं अगर इस व्रत को करती हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत खुद माता पार्वती ने की थी। एक बार जब उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया था तो वह एक बार पुनः भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 16 सोमवार व्रत रखकर कठिन तपस्या की थी। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत श्रावण मास से करना सबसे शुभ माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे 16 सोमवार व्रत की विधि। तो किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत कर सकते हैं। सबसे पहले हाथ में जल या अक्षत लेकर संकल्प लें कि आज हम महादेव आपका 16 सोमवार का व्रत धारण कर रहे हैं और बिना किसी विघ्न बाधा के आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें और 16 सोमवार का व्रत भी पूर्ण करें। तो 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि की, सबसे पहले आप महादेव को जल में गंगा जल डालकर स्नान कराएं, फिर पंचा अमृत से महादेव का अभिषेक करें। क्योंकि जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है, सोमवार के दिन महादेव का अभिषेक करता है कुसा के जल से, तो महादेव उसके घर से, उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बीमारी समाप्त कर दे। फिर उसके बाद जल में गंगा जल डालकर सादिश जल से महादेव को स्नान कराएं, फिर महादेव को त्रिपुण लगाएं चंदन से, फिर भस्म से महादेव का श्रृंगार करें, फिर महादेव को जनेऊ कलावा चढ़ाएं और फिर अक्षत, काला तिल, चीनी, जौ, समी पत्र, काली मिर्च आज जो भी महादेव को सामग्री चढ़ती है वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार महादेव को समर्पित करें जो आपके पास हो। फिर बेलपत्र चढ़ाएं और जब बेलपत्र चढ़ाएं तो उसमें सभी बेलपत्र की पत्तियों में चंदन की बिंदी जरूर लगाएं, हो सके तो ओम नमः शिवाय ही हर पत्तियों पर लिख लें क्योंकि इससे महादेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। फिर गन्ना समर्पित करें, फिर धतूरा चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, सफ़ेद फूल भी अर्पित करें और शिवलिंग में ही माता पार्वती का स्थान है तो उनको भी लाल पुष्प, गुड़हल या गुलाब समर्पित करें। क्योंकि पहले की वीडियो में हम बता रखे हैं कि शिवलिंग में महादेव का पूरा परिवार कहाँ है। अगर आप महादेव के साथ साथ उनके परिवार की भी पूजा करते हैं तो महादेव अधिक प्रसन्न होंगे आपसे, ऐसा शिवपुराण में वर्णित है। फिर महादेव को ऋतु के अनुसार जो भी फल आ सामग्री है वो भी समर्पित करें, धूप दीप नवेद आसे महादेव का पूजन करें और फिर सोमवार व्रत की कथा सुने और फिर शिव चालीसा का पाठ करें, फिर उमापति महादेव की आरती करें, फिर दीप आरती के बाद कपूर जलाकर कर्पूर गौरम मंत्र से भी आरती करें महादेव की और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप करें क्योंकि ओम नमः शिवाय बोलने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो महादेव हमारी पूजा बहुत जल्द स्वीकार कर लेते हैं और हो सके तो सामर्थ्य अनुसार शिवपुराण अवश्य पढ़ें। हर हर महादेव।